हेलो एवरीवन, वेलकम टू बियॉन्ड। आज के सेशन में हम बच्चों को इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के बारे में बताएंगे। इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस बताना इसलिए ज़रूरी है क्योंकि आजकल मोस्टली अप्लायंसेस का यूज़ ज़्यादा होता है और बच्चों को इसके बारे में पता होना चाहिए कि किस अप्लायंसेस का क्या नाम है, उसको यूज़ कैसे किया जाता है, इसका क्या यूज़ है। और सबसे मेन बात हमें बच्चों को ये सिखाना है कि इन चीज़ों का सेफली यूज़ कैसे किया जाता है। तो हम सबसे पहले बच्चों को इन चीज़ों के बारे में इंट्रोड्यूस करवाएंगे कि ये चीज़ें क्या होती हैं, और फिर उसके बाद सेकेंड थिंग हमें बच्चों को ये बताना है कि इनको यूज़ कैसे करते हैं, किस जगह पर इनका यूज़ कैसे किया जाता है, और सेफली मेन चीज़ ये है कि हमें बताना है सेफली इनको यूज़ कैसे किया जाता है। सबसे पहले हम बच्चों को मोबाइल फ़ोन के बारे में बताएंगे कि मोबाइल फ़ोन भी एक इलेक्ट्रॉनिक गैजेट है, इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेज है। तो बच्चों को आप उसके लिए कॉन्क्रीट मोबाइल दिखा सकते हैं। तो इस तरीके से आप बच्चों को दिखाएंगे कि दिस इज़ अ मोबाइल फ़ोन, और बच्चों को बताना है बार बार पॉइंट आउट करके कि दिस इज़ अ मोबाइल फ़ोन। और उसके बाद आप बच्चों को बताएंगे कि हम मोबाइल फ़ोन से क्या क्या कर सकते हैं। मोबाइल फ़ोन से हम वीडियोस बना सकते हैं और पिक्चर्स क्लिक कर सकते हैं, मोबाइल फ़ोन से बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। बट हमें मेन बच्चों को ये बताना है कि मोबाइल फ़ोन से उनका क्या क्या यूज़ है। मोबाइल फ़ोन से वो पढ़ भी सकते हैं, आजकल लॉकडाउन की वजह से सबकी क्लासेस ऑनलाइन हो रही है तो वो मोबाइल फ़ोन से ही पढ़ते हैं। तो इसलिए सबसे पहले हमें मेन ये बच्चों को बताना है कि मोबाइल फ़ोन से हम क्या क्या कर सकते हैं। हम इससे म्यूज़िक सुन सकते हैं, हम अपने रिलेटिव्स को फ्रेंड्स को कॉल कर सकते हैं, और इफ़ बाय चांस अगर हम अपने घर का एड्रेस भूल गए तो हम कहीं बाहर हैं, अगर हमारे पास मोबाइल फ़ोन है तो हम उस मोबाइल से मोबाइल फ़ोन का यूज़ करके अपने घर पे नंबर डायल करके अपने घर वालों को बुला सकते हैं, बता सकते हैं कि हम कहाँ हैं। अगर मोबाइल फ़ोन नहीं भी है तो किसी और का मोबाइल फ़ोन लेकर उससे हम नंबर डायल कर सकते हैं। तो बच्चों को मोबाइल से नंबर डायल करना भी सिखाना बहुत ज़रूरी है। सेकेंड है कि हम बच्चों को एसी के बारे में बताएंगे। एसी के लिए आप बच्चों को एसी अगर आपके घर में अवेलेबल है तो आप एसी का कॉन्क्रीट दिखा दीजिए, और अगर आपके घर में नहीं है तो आप इस तरीके से एसी की एक पिक्चर दिखा सकते हैं। और बच्चों को एसी के बारे में बताएंगे कि ये एसी है जिसे एयर कंडीशनर बोलते हैं, इसका यूज़ क्या है। इसको हम गर्मियों में यूज़ करते हैं, एसी को हम गर्मियों में अपने आप कूल एयर के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसलिए हम एसी का यूज़ करते हैं। फिर एसी का यूज़ हम कैसे करना है, बच्चों को सेफली कैसे करना है वो सिखाएंगे कि टेम्परेचर किस तरीके से सेट किया जाता है एसी में। और हमें ये सिखाने का एक बेनिफिट ये भी है, अगर बच्चे को कोई प्लेसमेंट मिलता है तो वहाँ पर अगर उसे एसी ऑन या ऑफ़ करने के लिए बोला जाता है तो बच्चे को वो करना आता हो, इसलिए इससे एक ये बेनिफिट है कि हम बच्चों को ये सिखाएंगे एसी को ऑन ऑफ कैसे किया जाता है, इसमें टेम्परेचर कितना सेट किया जाता है, कैसे सेट किया जाता है, और हमें किस हिसाब से टेम्परेचर रखना चाहिए, कितना टेम्परेचर हम सेट कर सकते हैं मिनिमम या मैक्सिमम। फिर हम बच्चों को कॉफ़ी मशीन के बारे में बताएंगे। कॉफ़ी मशीन के लिए आप बच्चों को ऐसे एक कॉफ़ी मशीन की पिक्चर दिखा सकते हैं, एक बड़ी पिक्चर दिखाइए और बच्चों को बताना है कि दिस इज़ ए कॉफ़ी मशीन। और उसके बाद हमें बच्चों को ये बताना है कि कॉफ़ी मशीन का यूज़ किस लिए होता है। कॉफ़ी मशीन का यूज़ होता है कॉफ़ी बनाने के लिए, इससे हमें बच्चों को बताना है कि कॉफ़ी मशीन का यूज़ करके बहुत टेस्टी कॉफ़ी बनाई जा सकती है, और हमें इसका यूज़ किस तरीके से करना चाहिए, हमें इसका यूज़ करते हुए बहुत ज़्यादा ध्यान रखना चाहिए क्योंकि इससे हमारा हाथ भी जल सकता है। तो इसका सेफली यूज़ कैसे करना है, मेन बात वही आ गई कि इसका सेफली यूज़ कैसे करना है वो सिखाना है। और फिर थोड़ा बहुत हम बच्चे को इसके बारे में ट्रेन कर सकते हैं कि किस तरीके से यूज़ करते हैं कॉफ़ी मशीन, कैसे उससे कॉफ़ी बना सकते हैं। तो उसके लिए आप कोई छोटी सी वीडियो दिखा सकते हैं इंटरनेट से डाउनलोड करके, या फिर अगर आपके घर कॉफ़ी मशीन है तो आप उसका यूज़ करके बच्चों को दिखा सकते हैं कि किस तरीके से इससे कॉफ़ी बनाई जाती है, और कि सबसे पहले मशीन में हमें कॉफ़ी डालनी पड़ती है और उसके बाद एक कप में दूध और चीनी डालकर रखना पड़ता है, उसके बाद हमें उसका टेम्परेचर सेट करना पड़ता है, देन उसमें से कॉफ़ी आती है। तो इस तरीके से हमें बच्चों को बताना है। इससे एक बेनिफिट ये है कि हम बच्चों को कॉफ़ी मशीन का यूज़ करना सिखा देंगे
कॉफ़ी मशीन के बारे में बता देंगे, तो बच्चे बाद में किसी कॉफ़ी शॉप पर कोई काम कर सकते हैं या फिर खुद की कॉफ़ी शॉप भी खोल सकते हैं। हम बच्चों को ये तीन चीज़ों के बारे में बताएंगे और उसके बाद बच्चों से इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे ताकि हमें पता लगे बच्चे को इस अप्लायंसेस के बारे में कितना समझ आया है। और अगर बच्चों को आप वो अप्लायंसेस यूज़ करवा रहे हैं तो आपको सबसे ज़्यादा ध्यान ये रखना है कि सेफली बच्चा उसे कैसे यूज़ कर रहे हैं। तो आज के सेशन में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।